टोहाना के गांव फतेहपुर में अपने साथी के साथ मिलकर जीजा के निर्मम हत्या करके गर्दन व धड़ को अलग करके नहर में फेंकने वाले आरोपी हरजिंदर को सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर लेगी, जिससे रिमांड के दौरान हत्या में प्रयोग की गई रस्सी व मोटरसाइकिल को बरामद किया जा सके। जून को जो है लाभ सिंह एक व्यक्ति है हमारा गांव फतेहपुरी का, जो 2 तारीख से गायब था, गुम हो गया था, जिसकी 5 तारीख को जो है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाना में दर्ज की गई थी और अभियोग अंकित किया गया था। जो बाद में जो है इसकी सिर कटी हुई लाश जो है वो पंजाब में मानसा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो नहर से बरामद हुई थी और हमारी पुलिस जो है उसने वहाँ जाकर अनुसंधान किया, उसका पोस्टमार्टम जो है वो पंजाब में ही करवाया गया। उसके बाद जो है जो बात सामने आई कि लाभ सिंह का जो है अपने साले के साथ जो है हरजिंदर के साथ जो है वो मनमुटाव था, क्योंकि हरजिंदर की जो बहन है वो थोड़ा सीधी सादी थी और ये तेज किस्म का आदमी था, जो इनके मनमुटाव के कारण जो है ये उसके साथ मारपीट करता था। इसी रंजिश में इसके साले ने जो है एक राजेंद्र सिंह जो सिंबल वाले का व्यक्ति है उसको हायर किया, उसको हायर करके दोनों ने जो है वो इसका गला घोटकर और जो सिरसा ब्रांच है चोड़पुर में ले जाकर उसका जो गर्दन है उसकी अलग की और उसको नहर में डाल दिया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अब हरजिंदर सिंह और राजेंद्र सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो राजेंद्र सिंह जो है उससे इसकी कसी जो प्रयोग की गई थी इस वारदात में और जो गर्दन थी अभी तक जो बरामद नहीं थी वो बरामद की जा चुकी है पुलिस रिमांड के दौरान। कल शाम को जो है वो हरजिंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज पुलिस रिमांड लेकर जो है वो आगामी पूछताछ की जाएगी। 20,000 रुपये में बात आई है अभी तक कि 20,000 रुपये में उसने इसको हायर किया था, तो इसकी बहन को तंग करता था, मारपीट करता था, उसी रंजिश में इसने ये काम किया है। क्या उससे पहले भी अभी जो है वो पूछताछ जारी है और वो पूछताछ के दौरान जो भी आएगा वो बता दिया। प्रॉपर्टी विवाद भी किसी तरह का बताया जा रहा है? नहीं, अभी तक जो है वो प्रॉपर्टी विवाद की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि जीजा साला है तो मेन जो मोटिव है वो बहन को तंग करने का मोटिव है, वो पेश किया जाएगा, आज पेश किया जाएगा। तो उसका रिकॉर्ड जो है वो अभी पता कर रहे हैं और उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है।